हेलो एवरीवन, आई एम आकाश। इस सीरीज़ में मैं आपको हमारी लद्दाख रोड ट्रिप के बारे में बताऊंगा, जो कि हमने जून के महीने में की थी। तो आइए घूमने चलते हैं। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको हमारी दिल्ली से मनाली तक की जर्नी के बारे में बताऊंगा। ये रोड ट्रिप हमने अपनी अर्टिगा कार से की थी। हम सुबह अराउंड 6 बजे घर से मनाली के लिए निकल गए थे। इस ट्रिप पर हम 5 लोग गए थे, जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन थे। इस समय आप जो वीडियो देख रहे हैं वह नांगल डैम का है। रास्ते में चंडीगढ़ से आगे भरतगढ़ नाम की एक जगह है, जहां से भाखड़ा और नांगल डैम के लिए आनंदपुर साहिब होते हुए रास्ता जाता है। अब क्योंकि हमने ये डैम पहले कभी देखा नहीं था, तो हमने सोचा कि चलिए वहाँ पर भी चलते हैं। भरतगढ़ से भाखड़ा डैम की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। आप नांगल डैम से निकलते हुए पानी को देख सकते हैं, यह पानी बहुत ज़्यादा साफ था। यह आप इस समय भाखड़ा डैम का व्यू ले सकते हैं। भाखड़ा डैम पर विजिट करने के लिए पहले एक परमिट की ज़रूरत थी, तो रास्ते में ही हमें एक जगह बैरिकेड लगे हुए मिले। वहाँ से आगे जाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराते टाइम कुछ ऑफिसर्स ने वहाँ पर हमसे कहा कि डैम के पास फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए फ़ोटो या वीडियोज़ आप लोग मत लीजिएगा। इस डैम को बनाने का आइडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया था, जब वह वायसराय काउंसिल में 1942 से 46 तक लेबर मिनिस्टर थे। उनका विजन था कि हर साल बाढ़ आने से बहुत गांव डूब जाते हैं और ये सारा पानी भी वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए उन्होंने इस पानी को यूटिलाइज़ करने का प्लान बनाया और इस डैम का विजन पेश किया, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो गया, साथ ही बिजली बनने लगी और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हम मनाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मनाली की ओर आगे जाते समय पूरे टाइम हमें मौसम बहुत